देखो हमारी ये जो टॉपिक है रजिया सुल्तान, ये इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद इसकी सिनेरियो बनती है। देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे इल्तुतमिश की डेथ हो गई एंड रजिया डिक्लेयर्ड सक्सेसर ऑफ सल्तनत इज स्ट्रांगली अपोज्ड बाई चालीसा आफ्टर डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज माइनर सन रुकनु दीन रुकनुद्दीन फिरोज बिकम सुल्तान विथ हेल्प ऑफ हिज मदर शाह तुर्कान। तो देखो यही दिखाई दे रहा है। बट आफ्टर 7 years, ओ सॉरी 7 months, नॉट 7 years, बट आफ्टर 7 months पीपल ऑफ दिल्ली रिवोल्टेड एंड killed them. That is how Razia sat on the throne. इन्हीं परिस्थितियों में रजिया सुल्तान बनी थी, ठीक है। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उसकी मृत्यु के बाद चालीसा के विरोध के कारण उसका अल्पवयस्क पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज अपनी मां शाह तुर्कान के संरक्षण में गद्दी पर बैठा। तो यही सिनेरियो बनती हुई दिखाई दे रही है। रजिया सुल्तान मध्यकाल के अंदर में, इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि शी वॉज एलिजिबल फॉर ऑल दी एलिजिबिलिटीज फॉर द सुल्तान, बट शी वॉज अ वुमेन, दैट इज वाई नॉट एक्सेप्टेड एज सुल्तान। इसकी दिक्कत क्या हो रही है मध्यकाल में कि एक महिला होने के नाते इसको लोग कम अथॉरिटी दे रहे हैं। चालीसा के सदस्य ये मान रहे हैं कि इसके अंदर एबिलिटीज नहीं है कि ये संभाल सकती है एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यही इसके लिए दिक्कत हो रही है। रजिया सुल्तान तो बन गई है, लेकिन खूब सारा इंटरनल डिस्प्यूट्स दिखाई दे रहा है। चालीसा के सदस्य भी खूब सारा विरोध कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है।
तो ऐसा कुछ पैरामीटर्स बना दिया गया है रजिया के रिजीम में। कोई बताए जिसको पता। चालीसा हमने कहाँ पढ़ा हुआ था? इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था चालीसा? इल्तुतमिश ने। इसी को तुर्कानी चहलगानी कहा गया। कॉप ऑफ 40 लिखवाया हमने, लिखा है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स है, ऑफिशियल्स है, सबसे बड़े अधिकारी हैं, सबसे ताकतवर अधिकारी हैं। सुल्तानों के अंदर में यही लोग क्या करेंगे? हेल्प करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आगे देखो, तो रजिया हर वो काम कर रही है जिससे कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जैसे इसके समय में एक फैशन भी ट्रेंड कर रहा है, कुला एंड कुबा। ये दो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, ये है हैट और ये है ओवरकोट। फिर इसको अगर इसकी पर्सनालिटी देखोगे तो ये हॉर्स राइडिंग में भी एक्सपर्ट है, हॉर्स राइडर है, घोड़े को कंट्रोल करना इसे पता है, वॉरियर है, योद्धा है। इवन ये ड्रेस भी ऐसे ही पहनती थी वॉरियर्स वाले, खुद भी बहुत ताकतवर है। लेकिन इसकी समस्या यही है कि विमेन है और इसलिए इसको लोग एक्सेप्ट, लोग तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो जो अंदर के लोग हैं वो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, घर के लोग और चहलगानी के लोग। ऑल दी नोबिलिटी अपोज्ड रजिया बिकॉज शी वॉज विमेन। यही सबसे बड़ी समस्या इसको झेलनी पड़ेगी। रजिया के गुड बुक में एक व्यक्ति है और इसका नाम है क्लोज एड मानो, मलिक याकूत। मलिक याकूत यह एक अबिसिनियन है। अबिसिनियन एक कंट्री है क्या? अबिसिनिया, अबिसिनिया का निवासी है। और इसको रजिया क्या करती है, ये एक नज़दीकी सहयोगी है रजिया का। और कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अफेयर्स की भी बातें र्यूमर में है, लेकिन कभी खुल के ऐसा आ नहीं पाया। लेकिन मध्यकाल में एक र्यूमर है, ऐसा भी हो सकता है महिला होने के कारण र्यूमर उड़ा दिया गया हो टू अंडरमाइन अचीवमेंट्स ऑफ रजिया सुल्ताना। ऐसा भी तो होता है ना कि जैसे महिला कोई बहुत बड़े पद पर चली जाए तो उसकी अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक र्यूमर उड़ा देते हैं करेक्टर एजाजिन करने के लिए। तो यहाँ भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्लोज एड है मलिक याकूत, और इसको ये किस पद पे है? अमीरे आखूर, अमीरे आखूर। ये सब पूछ लेगा एग्जाम में कि ये कौन सा पद है। हेड ऑफ कैविलरीज, हेड ऑफ कैविलरीज, अमीरे आखूर पद पे है। अमीरे आखूर इसका मतलब है अश्वारोही सेना का प्रमुख। अश्वारोही सेना प्रमुख कौन है? मलिक याकूत। अब जितने भी अमीर हैं दरबार के, उनको दिक्कत होगी क्या? उनको ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो प्रमोट नहीं हुआ है वो क्या करेगा? कॉन्स्पिरेसी करेगा, षड्यंत्र करेगा। वो कुछ ना कुछ, जैसे हमारे बीच का व्यक्ति कोई सेलेक्ट हो जाता है तो हम उसकी उपलब्धियों को अंडरमाइन करने के लिए ये बातें कहते हैं कि सीटें ज़्यादा थी, इसका कहीं जुगाड़ है अंदर से, इसने पहले ही पेपर आउट करा लिया। जो कॉपी जांचने वाले लोग थे वो इसके जान पहचान के हैं। हर एक टॉपर्स के बारे में ऐसी कॉन्स्पिरेसी थियरीज यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में उड़ती रहती हैं क्या? सुना है ऐसा? जिन लोगों ने प्रॉपरली कॉलेज अटेंड किया होगा उनको पता होगा, कुछ लोग नहीं गए होंगे तो मिस कर गए। मतलब ऐसा होता ना कि कोई स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, सीधे यहीं चला आया। तो अब क्या करें, अब तो मिस हो गया ना, अब दोबारा नहीं लौटेगा। खैर,
तो स्कूल कॉलेजेस में, खास करके कॉलेज वॉलेज में जब आओगे और जब कोई टॉप करेगा, इवन स्कूलों में भी होता है, तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल का बहुत चापलूस है और ये प्रिंसिपल का चापलूस है, ये सब्जी लाने जाता है और चापलूसी करता है, इसको क्वेश्चन पेपर पहले दे दिया जाता है ना, और ये मडराता रहता है, 25 बार पैर छुएगा, और हमसे तो नहीं होगा ये सब, हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं इसलिए हम कम नंबर पाते हैं और ये टॉपर है टॉपर। ये क्या कह रहे हो आप? रियलिटी में क्या होता है बताओ? इट इज योर फ्रस्ट्रेशन टू नॉट गेट गुड मार्क्स एंड दैट इज व्हाई यू आर पुटिंग एक्सक्यूजेस इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी एंड आप ये बता रहे हो कि मैं भी अगर ये सब करता तो मैं भी टॉपर होता, और बाद में सुनाई देता है कि वही जो टॉप कर रहा था, मैंने तो यही देखा है कि जितने क्लास के अच्छे वाले बच्चे होते हैं, टॉपर होते हैं, वो IAS हैं, PCS हैं, वो कहीं फॉरेन में बैठे हुए हैं, IITN, वहाँ भी जुगाड़ लगा नहीं, मैंने तो यही देखा है अपने सीनियर्स को भी, जूनियर्स को भी, समझ रहे हो, जो जूनियर्स थे उनको भी, जो सीनियर्स थे उनको भी, जो बराबर में थे उनको भी, एक्सपीरियंस यही है कि मोस्टली लोग जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, मेहनत करते चले आते हैं, वो लगातार आगे बढ़ते चलते जाते हैं क्योंकि उनके पास है कैपेबिलिटीज़ हैं। और बाकी जो कॉन्स्पिरेसी थियरी में लगा हुआ है, हमेशा हर चीज़ की एक कॉन्स्पिरेसी थियरी होती है, आप सेलेक्ट हो जाओगे आपको भी लोग कहेंगे कि इसका किस्मत ठीक था, इस बार 400 सीट आ गया था, मेरे समय में 399 सीट थी इसलिए मैं रुक गया, इसको कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थियरी, मतलब हम अंडरमाइन कर रहे हैं लोगों की अचीवमेंट्स को, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज इट। अब जब ये आगे बढ़ गया तो जो अमीर्स हैं इसकी अचीवमेंट्स को अंडरमाइन करेंगे, मलिक याकूत बहुत ताकतवर है, रजिया का सबसे विश्वास पात्र है और कोई भी षड्यंत्रों को नाकाम कर देता है, ही डिसमेंटल्ड ऑल दी कॉन्स्पिरसीज अगेंस्ट रजिया सुल्ताना, ही वॉज क्लोज इट, ही वॉज मास्टर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का प्रमुख है, अपनी योग्यता के कारण बना है। तो लोग इसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये इसके अंदर योग्यता योग्यता कुछ नहीं है, यह क्योंकि रजिया के साथ इसके संपर्क हैं और इसलिए इसको प्रमोट कर दिया गया। ये कौन आरोप लगा रहा है? 40 वाले सदस्य हैं, ये 40 लोग जुटे हैं और ये अली बाबा 40 शोर की कहानी दिखाई देती है। खैर चलो, यही चक्कर में एक अमीर है, इसका नाम है अल्तुनिया, इसका नाम है अल्तुनिया, ये एक अमीर है नोबिलिटी का, अल्तुनिया गवर्नर ऑफ भटिंडा, प्लेस है कोई, ठीक है समझ गए, कुछ लोग टिंडा सोच रहे हैं, गवर्नर ऑफ भटिंडा। ये क्या करेगा? यह मिलिट्री रिवेलियन कर देगा, सैन्य विद्रोह, किसके विरोध में? रजिया सुल्तान के विरोध में यह सैन्य विद्रोह कर देगा। ही रिवोल्टेड अगेंस्ट रजिया सुल्तान ड्यू टू दैट रीजन बिकॉज मलिक याकूत फॉरवर्डेड एंड प्राइमरी रीजन वॉज रजिया सुल्ताना वॉज अ वुमेन नॉट एक्सेप्टेड बाई ऑल ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट ऑफ ऑल ऑर्थोडॉक्स अमीर्स, जितने भी ऑर्थोडॉक्स या रूढ़िवादी अमीर्स थे, जो नोबिलिटी के थे, जो चालीसा के थे, वो रजिया सुल्ताना को ज़्यादा काबिल नहीं मानते थे, और इसी चक्कर में तो ये उसी में का एक है। इसने रजिया को गिरफ्तार कर लिया, ही अरेस्टेड रजिया सुल्ताना, ताकतवर थे ये सब, लेकिन रजिया सुल्ताना ने एक ऑफर दिया इसे, कहा कि देखो अरेस्ट करोगे तो तुम्हारे लिए समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि जो मेरे समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तुम जीत भी लोगे ये साम्राज्य तो भी तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि टिक नहीं पाओगे, मारे जाओगे। तो इसने एक ऑफर रखा कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें, और ये हो गया डिप्लोमेटिक मैरिज है, ये आज भी हो जाता है दो नेताओं के घर में, और ऐसा नहीं होता है दो बिजनेसमैन के घर में एम्पायर को बढ़ाने के लिए, होता है ऐसा, फकीरों की तो बहुत होती है शादी, जैसे एक फकीर दूसरा फकीर, लेकिन
जो बड़े बड़े घराने हैं पॉलिटिशियंस वाले, या जो बिजनेस फैमिली के लोग हैं, या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैमिली के लोग हैं, अब जैसा मान लो कोई भारत का मुख्य सचिव हो और उसको कहीं मैरिज करनी हो घर के किसी सदस्य की, तो अगर अरेंज मैरिज है तो प्रिफरेबल कहाँ जाएगा? अन्य प्रकार की मैरिज है तब तो कोई संभावना ही नहीं है, लेकिन अगर प्रेफरेबल मैरिज है, अरेंज मैरिज है, तो कहाँ जाएगा वो व्यक्ति? उसी काडर में जाएगा, या कोई बहुत बड़े बिजनेस फैमिली में जाएगा, या कोई बहुत बड़े नेताओं की फैमिली में जाएगा। यही अभी तक यही ट्रेंड है ना। तो इसको मैट्रिमोनियल डिप्लोमेसी कहते हैं। अल्तुनिया और रजिया ने शादी कर ली, ठीक है। चलो, अब ये सोचा अल्तुनिया कि मामला सेटल हो गया। उसने सोचा कि अब तो कोई दिक्कत नहीं है, रजिया सुल्तान बनी रहेगी और मैं भी राजा के रोल में बना रहूँगा। इसी बीच में अभी एक व्यक्ति चुप्पी लगा के बैठा हुआ है, बहराम शाह, ब्रदर ऑफ रजिया। जैसा मैं कह रहा था कि राजनीति में कोई किसका भाई नहीं है, कोई किसी की माँ, कोई किसी का पिता, कुछ भी नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं होते हैं राजनीति में, केवल राजनीति ही अस्थाई होती है, यही बस चीज़ है। तो जिसको राजनीति करनी होती है वो ये सब संबंधों के जाले में नहीं फंसता है। ये राजनीतिज्ञों के लिए सबसे बड़ी बात है। अगर उनको ज़रूरत लगेगी ना तो अपने माँ बाप, भाई बहन सबको बलि चढ़ा देंगे वो। जैसे मान लो कि किसी बड़े नेता को ये सिद्ध करने के लिए, वो बहुत बड़ा देशभक्त है, अपने परिवार वालों को जेल भेजना पड़े तो भेज देंगे, भेज देते हैं उनका, वो कोई फर्क नहीं है उनके लिए, भाई बहन कुछ भी नहीं है। जितने नेताओं के भाई बहन हैं वो देखो सब अलग ही अलग रहते हैं, मतलब उनसे कोई मतलब नहीं है मेन लीडर से। राजनीति का पहला सबक है धोखेबाजी, अविश्वास, षड्यंत्र, बेरहमी। जैसे किसी के सामने गिड़गिड़ा लो और फिर उसका गला काट दो, ऐसा ही है, गले मिलने के बहाने। बहराम शाह कंस्पिरेसी कर रहा है, क्या लग रहा है सफल होगा? सफल हो गया, सक्सीडेड। इसकी षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, और इसमें सक्सीड हो गया, सफल हो गया ये। तो चलते हैं कहां पे, कैथल। खुद नहीं मरवाएगा लेकिन कैथल जो हरियाणा में है, यहाँ पे अल्तुनिया और रजिया का क्या हो जाता है, कहते हैं कि डकैतों ने मार डाला, लेकिन मर्डर हो जाता है। इसका मतलब डकैतों की सहायता बहुत पहले से पॉलिटिशियंस लेते रहे, भारत का ये ट्रेंड सिद्ध हो रहा है। आज भी ऐसा होता है, पॉलिटिकल मर्डर्स होते हैं नहीं, जैसे कई क्षेत्रों में, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा धाकड़ सा नेता हो और वो 5-6 बार से चुनाव जीत रहा हो और उस क्षेत्र में कोई नया व्यक्ति की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगे तो उसके ऊपर कई सारे हमले होते हैं और नेताजी हर बार गले मिलने जाते हैं कि मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ, ये गोली कौन चलवा रहा है? वही नेता ही चलवा रहा है और वो आश्चर्य में है कि किस मिट्टी का बना हुआ है कि 2 बार हमलों में बच गया। तो चेक करने जा रहा है वो, गले मिलने के बहाने वो चेक कर रहा है कि वास्तव में ये इंसान है या महामानव है, क्या मसला है। करते हैं ना नेता, जैसे एक बार एक केरल का चीफ मिनिस्टर था, तो कोई शहीद था कारगिल युद्ध में, कोई मिलिट्री का जवान शहीद, और वो कारगिल युद्ध में वो शहीद हो गया था। तो उसके यहाँ CM मिलने गए तो पेरेंट्स ने झल्ला के कहा कि हमें नहीं मिलना है, क्योंकि आप जो बहुत सारी घोषणाएं करते हो कुछ मिलता कहाँ है। जैसे कह देते हैं कि इनको 20 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो 5 लाख रुपए खर्च कर देते हैं, 10 साल में उनको 20 लाख नहीं मिलते, लेने के चक्कर में कहाँ मिलता है। जो सरकार बोल देती है कि इनको नौकरी मिलेगा, इनको 20 लाख एक्स ग्रेशिया मिलेगा, इनको फ्लाइट की टिकट मिलेगी, इनको एक फ्लैट मिलेगा, और मुस्कुरा मुस्कुरा के फोटो खिंचा रहा है, क्या वास्तव में मिलता है? नहीं मिलता। पेट्रोल पंप मिलेगा दुनिया भर का, और लोग ताली बजा रहे हैं कि नेता है कि भगवान, और नेताजी कुछ किए ही नहीं। मोस्टली केसेस में ऐसा ही दिखता है। तो भगा दिया उन लोगों ने, तो CM गुस्से में आ गए केरल के, उन्होंने कहा कि ये तो तुम्हारे जैसे लोग की हैसियत है कि तुम्हारे यहाँ CM आए, वो तो मैं आ गया, नहीं तो मीडिया के सामने ही कह रहा था, मैं आ गया नहीं तो तुम्हारे जैसे लोग क्या, तो मैं मेरा जूता भी कदम ना रखे। बाहर आके कह रहा है कि क्या करे, गुस्सा दिला दिया था, लेकिन मैं आज भी इनके पेरेंट्स की इज्जत करता हूँ,
मेरी बातों को तोड़ मरोड़ के देखो अब ये हो गया रजिया सुल्ताना की बातें, तो इससे सिद्ध हो गया कि पॉलिटिक्स में हमेशा से क्रिमिनल्स की सहायता ली जाती रही है काउंटर करने के लिए, अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए। बहराम बहरा ज्यादे है, इसको खतरों का आभास नहीं है और इसीलिए 2 साल के अंदर में, क्योंकि चालीसा के बलबूते बना है ये, ही बिकम रूलर विद द हेल्प ऑफ कॉन्स्पिरसीज ऑफ चालीसा, देन चालीसा अगेन किल्ड हिम, वही चालीसा के लोगों ने इसे मार दिया, क्योंकि ये नॉमिनल हेड जैसा है ना, जैसा प्रतीक नहीं होता ये सब पपेट कठपुतली जैसा है, बैठा रखा गया, अगर कुछ मना करेगा तो गुस्साएंगे, ठीक है ऐसा है। तो बहराम को क्या कर दिया गया, खेल खत्म। इस बीच में 2 लोग आएंगे, 1242, ये 40 से लेके 42 कौन है, बहराम शाह, और 1242 to 1246 अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद, ये भी वैसा ही है। ये दोनों कैसे हैं, खड़े हैं दूसरों के सपोर्ट से, बहुत वीक है। इनके पीछे कौन खड़ा है, अमीर्स खड़े हैं, चालीसा के लोग खड़े हैं, तो इनका कुछ खास ज़्यादा रोल दिखाई नहीं दे रहा इस पीरियड में। इसी बीच में एक संत टाइप का व्यक्ति है, नासिरुद्दीन महमूद, नासिर उद दीन भी लिखते हैं, नासिर डैश यूडी डैश डी आई एन, और ऐसे भी सही है, नासिरुद्दीन महमूद। ये बेचारा लंबे समय तक टिकेगा, लेकिन ये सुल्तान बनने का एहसास ही नहीं करता है, ये फकीर है सूफी, नासिरुद्दीन महमूद, इसको कहते हैं दरवेश सुल्तान, ये गलत समय में पैदा हो गया था, दरवेश सुल्तान, दास लोगों को खुद ही पैर पकड़ लेता, इसने सारे दासों को मना कर दिया था कि मैं तो खुद ही एक दास हूं, ये मानता था मैं अल्लाह का एक दास हूं और इसलिए नो रिक्वायरमेंट ऑफ माय पर्सनल असिस्टेंट, खुद जमीन पे सोता था और दिन रात बस कुरान की जिल्द सी, कुरान को पढ़ा करता, उसकी कॉपी तैयार करता, नोट्स बनाता रहता परमानेंट, यही इसका काम था। दरवेश सुल्तान कहते हैं, दरवेश सुल्तान, दरवेश माने वही सूफी जैसा है, आदतों से तो वही है, सूफी जैसा ही है। He used to spend his time in copying Holy Quran rather than, सब लोग ढूंढ रहे हैं इसे कि महाराज कहाँ है, सुल्तान कहाँ है, सुल्तान मस्जिद के किनारे बैठे हुए हैं। यह किस काम में लगा रहता, अपने दरबारी मामलों को निपटाने की बजाय यह कुरान की प्रतिलिपियां तैयार करता था, यही इसका शौक था, दरबारी मामलों की बजाय यह कुरान की प्रतिलिपियां, भारत में एक से एक नमूने हुए हैं, तैयार करता, अभी और आएंगे। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, दरबारी मामलों की बजाय कुरान की वो प्रतिलिपियां तैयार करता था, कॉपी तैयार करता था,
उस जमाने में फोटो स्टेट मशीन तो थी नहीं, ये कहता था कि मैं हाथ से लिख लिख के और बांटूंगा जनता में, तो जनता खुद भी तो पढ़ सकती थी या बांट सकती थी, लेकिन इसका शौक था, कहता था कि अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है और बाकी मैं दरबारी मामलों के लिए फिट नहीं हूँ। एक व्यक्ति है बलबन, कहता है महाराज एकदम सही कह रहे हैं, मुझे भी यही लगता है, मेंबर ऑफ चालीसा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल इन चालीसा, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल चालीसा मेंबर। ये कहता है सर कोई बात नहीं है, हम लोगों ने आपका नमक खाया हुआ है, तो कोई टेंशन ही ना लो आप, जितनी कॉपी तैयार करनी है करो, सारा अफेयर्स कौन देखेगा, मैं, सर्वाधिक प्रभावशाली है ये, प्रभावशाली अमीर है, अमीर मैंने वही मेंबर चालीसा का। और रियल हेड कौन है, यही है, पीछे से शासन यही चला रहा है, रियल हेड यही है, और ये क्या बन के बैठा है, भारत का राष्ट्रपति बन के बैठा है, ये नॉमिनल हेड है और ये पीएम जैसा व्यवहार कर रहा है, नॉमिनल हेड, ठीक है। एक क्षेत्र है हांसी, या गवर्नर है उस क्षेत्र का, गवर्नर ऑफ हांसी, राज्यपाल है उस क्षेत्र का, हांसी का गवर्नर है, एक ताकतवर व्यक्ति है, तो यही इंचार्ज है सारे मामलों का, यही इंचार्ज है। बीच में किसी ने इसका कान भर दिया था, इवन देखो इसने अपनी, बलबन ने अपनी बेटी की शादी क्या की, इस नासिरुद्दीन महमूद से कर ली, तो और भी ज़्यादा क्लोज रिलेशन हो गया, नहीं रिश्तेदारी बन गई, और इसको, ये सन्यासी आदमी है, इसको तो खास मतलब है नहीं, आता भी नहीं है, ये कहता है कि अभी तक तो तुम मेरे कोर्टियर थे और अभी तो फादर इन लॉ हो गए, तो अब सब आप ही देखो, ये कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाओ, जो करना है करो, तो ऐसा ही दिखाई दे रहा है बेचारा, ये ऐसे ही ज़िंदगी बिताते बिताते इसको एक दिन अल्लाह ने याद कर लिया। नेचुरल डेथ किसकी, नसीरुद्दीन महमूद। देखो क्या समस्या है, जब तक इंसान जीने की इच्छा रखता है तब तक वो जिंदा रहेगा, उसके जिम्मे कुछ काम होंगे तब तक जिंदा रहेगा, अगर बहुत पेसिमिस्टिक हो गए, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए, तो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग बहुत लंबे दिन तक नहीं जी पाते हैं। एक बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि जो लोग फैमिली में ज़्यादा रहते हैं, पड़ोसियों की जानकारी ज़्यादा रखते हैं, दूसरे की समस्याओं और फटे में टांग अड़ाते हैं, लड़ाकू होते हैं, वो लंबे समय तक इस पृथ्वी पर विचरण करते पाए जाते हैं, क्योंकि उनको मरने की भी फुर्सत नहीं है, काम है ना उनके जिम्मे और ख़त्म ही नहीं होगा। लेकिन जो लोग बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, या उनकी फैमिली नहीं है, बहुत अकेले अकेले हैं, और उनको, उनके जिम्मे कोई काम नहीं है, तो उनकी लाइफ स्पैन कम होती है, ये रिपोर्ट्स में निकला है कई सारी एजेंसीज की, ठीक है, एवरेज लाइफ उनकी 50 साल 60 साल, और बाकी लंबे खिंचते, जो सबसे दुष्ट है 100 भी क्रॉस कर जाता है, ठीक, तो ये बेचारा कम उम्र में ही निकल गया। खैर 1266, अब देखते हैं, अब बलबन का टाइम आएगा, जैसे एक महापुरुष ने नहीं कहा कि अपना टाइम, ठीक, देखो ये बलबन का पीरियड है, कहाँ है, हाँ हरियाणा वाले क्षेत्र, पूछेगा नहीं, ये जानकारी नहीं पूछेगा, बस यही कि इसके मेन टास्क, बड़े लोगों के बड़े काम पूछे जाते हैं, जैसे गांधी से ही क्या पूछता है, क्या सहयोग आंदोलन को नेतृत्व दिया कि नहीं, अहिंसा के लिए क्या क्या किया, दक्षिण अफ्रीका में गए तो क्या क्या किया, कभी ये नहीं पूछता कि धोती किस ब्रांड की पहनते थे, पूछे
नहीं, गांधी की बड़ा उलूल जुलूल दिनचर्या थी, एक्सपेरिमेंट खूब करते थे गांधी, खाने पीने को लेके बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। जैसे कहीं उन्होंने पढ़ लिया कि ये वाला खाना बहुत एग्रेसिवनेस बढ़ाता है, गुस्सा बढ़ाता है, तो सब बंद कर देंगे। सालों तक उबली सब्जियां खाते थे, कॉन्स्टिपेशन हो गया उन्हें, गांधी को कॉन्स्टिपेशन हो गया उबली सब्जियों को खाने से। कुछ भी स्पाइसेस नहीं खाते थे, फाइबर्स नहीं खाते थे। बाद में डॉक्टर्स ने सलाह दी कि सर देश को आज़ाद करा के जाओ, नहीं तो उसके पहले कहीं आप आज़ाद ना हो जाओ। और गांधी इस मामले में होशियार थे, उनको पता था कि उनकी ज़िंदगी की वैल्यू क्या है, तो तुरंत अनशन अनशन छोड़ देते, तुरंत चेंजेस लाते, बहुत कंट्रोल वाले व्यक्ति थे और बहुत बुद्धिमान भी थे। उनको किसी को कोई उनको प्रतिनिधि नहीं चाहिए था। हमें ही देखो, हमें किसी से कोई बात करनी होती है तो हमें एक प्रतिनिधि चाहिए होता है। जैसे मान लो हम कहीं गए किसी से मिलने, कोई दोस्त है तो उसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तुम बात करो, ऐसे है क्या? हमें एक प्रतिनिधि चाहिए होता है। कमजोर पर्सनालिटी का द्योतक है ये, इट इज लूज पर्सनालिटी, वीक कैरेक्टर। नहीं, जिसकी कमजोर पर्सनालिटी होगी, जैसे टीचर के यहाँ गए, जैसे हम लोग कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में थे, तो जैसे बच्चों की कोई बात हुई तो हम लोग चार लोग गए मान लो फॉर एग्जांपल, तो जो थोड़ा ऐसा बोलने वाला होगा टॉकेटिव, वो आगे खड़ा है, टीचर मार भी रहे हैं ना होमवर्क के लिए, तो सबसे पहले हाथ आगे बढ़ा के पिट उठ के चलाएगा, है ना, हम जाएगा शान से ऐसे करके। और कुछ लोग ऐसे हाथ झाड़ते थे जैसे बला टली, कॉन्फिडेंस का लेवल देखो। अच्छा, कुछ ऐसे है कि छुपे हैं, डरे छुपे हुए हैं, जब उनकी बारी आई ना, नहीं नहीं रोने लगे पहले ही, अभी अभी पढ़ा भी नहीं और रोने लगे, पढ़ा भी नहीं रोने लगे। अच्छा, और देखो जो पिटा है वो आराम से अगले दिन मुस्कुरा रहा है, उससे कोई कह रहा है कि भाई पिटे थे, तुम्हें थोड़ा भी शर्म नहीं है? वो कह रहा है शर्माना क्या है, वीरों को निशान लगते रहते हैं। राणा रियलिटी है, जैसे राणा सांगा। अच्छा, जो पिटा भी नहीं था, जो ऐसे ही रोने लगा था, उसके पापा मम्मी सब आ गए। अभी पिटा भी नहीं था, अब प्रिंसिपल के यहाँ बैठ गए। प्रिंसिपल कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या कह दिया कि ये जब से गया है घर से रो ही रहा है रात से लेके सर। वो कह रहे हैं कि टीचर को बुलाया गया कि भाई आपने इसको कितना मार दिया है, मुंह लाल हुआ है, कान लाल दिख रहा है, बाल एकदम लग रहा है एक ही दिन में झड़ जाएगा सब, ठीक है, आंखें एकदम फूली मेढक जैसी। वो कह रहे हैं कि मैंने तीन लड़कों को तो बहुत धोया था, इसको तो मैंने मारा ही नहीं था, ये तो ऐसे ही रोने लगा। तो कह रहे हैं बहुत सेंसिटिव बच्चा है, जाओ। वो कह रहा है कि दूसरे के दर्द से और अपने भय से मैं पसीजा हुआ हूँ। कौन सी पर्सनालिटी है ये? वीक पर्सनालिटी। कौन है नासिरुद्दीन महमूद? ये वही है, वीक पर्सनालिटी है। सुल्तान बन के भी अपना बात नहीं कर पा रहा है। और बलबन कैसी पर्सनालिटी है? फ्रंट पे आके सारे मामलों को देखने की उसके अंदर काबिलियत है। चले बलबन के पास, चलो। तो देखो, 20 साल इनडायरेक्टली और फिर 21 साल डायरेक्टली, तो सबसे अधिक सल्तनत में शासन करने वाला तो यही हो गया, नहीं? और बड़ा डोमिनेंट तरीके से। चलते हैं, देखते हैं। इसका ओरिजिनल नाम क्या है? ओरिजिनल नेम हमारे घर में भी नहीं होते हैं नाम किसी का, जैसे घरेलू नाम होता है चिंटू मिंटू और स्कूल का दूसरा होगा, तो इसका नाम क्या है? बहाउद्दीन। इसका ओरिजिनल नाम है बहाउद्दीन। देखो, ये जो बचपन में था ना, तभी इसको मंगोलों ने पकड़ लिया था। ये जब छोटा था तभी इसको मंगोलों ने पकड़ लिया और दास बना के घुमाते थे इधर से उधर, तो ही वॉज कैप्टिव्ड बाई मंगोल्स। इसकी समस्या थी, ही वॉज कैप्टिव्ड बाई मंगोल्स। अच्छा, इन चाइल्डहुड
बचपन में ही मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया, बचपन में ही मंगोलों ने इसे बंदी बना लिया। देखो धीरे धीरे इल्तुतमिश अगर इस पीरियड तक देखो 1232 तक, तो अब तो सुल्तान की उपाधि भी ले चुका है ना। इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, परचेस्ड बलबन, खरीद लिया बलबन को, दासी है ना, स्लेव है, कौन है, स्लेव ऑफ बलबन, सॉरी स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। बलबन कौन है, स्लेव ऑफ इल्तुतमिश। अच्छा एक मजे की बात देखो, इसकी हाइट बहुत कम थी, नाटा था ये, शॉर्टनेस थी और एकदम अगलीनेस था, मतलब बहुत कुरूप चेहरा था इसका। तो इल्तुतमिश पहली बार इसको देख के डर गया था, उसने कहा कि ऐसा दास होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसने कहा कि इसको मैं खरीदूंगा ही नहीं, तो बहुत बेकार है। अब ये बलबन लिखा गया है ये इतिहास की पुस्तकों में, जो लोग ज़्यादा डीप में इतिहासकार होते हैं ना, रिसर्च करते हैं, तो जब बलबन देखा कि ये तो कोई खरीद ही नहीं रहा है उसे, सुल्तान आके वापस जा रहे हैं, तो दौड़ के गया और पैर पकड़ लिया इसने सुल्तान का और कहा कि अंकल ले ही चलो अब। यही वाला केस। एंड देन फाइनली इल्तुतमिश ने इसे खरीद लिया। खरीदने के बाद अब क्योंकि इसका चेहरा बहुत खराब था और बहुत शॉर्ट हाइट का था, तो इसको क्या बना दिया गया, भिश्ती बना दिया गया, भिश्ती, वाटर बियरर, जो पानी पिलाने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते थे, भिश्ती। इसको पानी पिलाने का काम मिला था, जितने इधर दरबारी होंगे, जितने लोग आएंगे जाएंगे कोर्ट में, तो बाहर खड़ा रहेगा उधर, जिससे सुल्तान इसका चेहरा ना देखे, और ये भिश्ती बन गया। लेकिन होता है ना कि जिसके अंदर टैलेंट होता है वो बहुत दिनों तक रुकेगा नहीं। धीरे धीरे इसने सुल्तान से काम मांग मांग के कि सर हमें कुछ और भी काम दीजिए, हमें कुछ लड़ाइयों में भेजिए, वो कहते कि अच्छा जाए उधर ही जाए और मर जाए उधर ही। इसका चेहरा देखकर और जाता और जीत के चलाता। धीरे धीरे इसकी रैंक इतनी इम्प्रूव हो गई कि इल्तुतमिश के समय ही मेंबर ऑफ चालीसा हो गया, मेंबर ऑफ चालीसा, बिकम मेंबर ऑफ चालीसा। देख रहे हो रैंक इसकी सुधर गई, एक वाटर बियरर से क्या बन गया, मेंबर ऑफ चालीसा, मिनिस्टर बन गया। तो सोचो इल्तुतमिश की नजर में कितनी इसकी रैंक सुधरी होगी। ठीक है, अल्टीमेटली ये कब विद्रोह करेगा, आफ्टर डेथ ऑफ बहराम शाह ही रिवोल्टेड, ही मतलब इल्तुतमिश मतलब समझ जाना, ही रिवोल्टेड अगेंस्ट अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद इसका विद्रोह किया, मतलब विद्रोह करके वो निकल गया यहां से, मौके का इंतजार करता रहा, और फिर इसी लोगों के सपोर्ट से नासिरुद्दीन महमूद क्या बन जाता है, नासिरुद्दीन महमूद बिकम न्यू सुल्तान ऑफ द सल्तनत। अभी हमने चर्चा की थी, नासिरुद्दीन महमूद बिकम न्यू सुल्तान ऑफ द सल्तनत विद द हेल्प ऑफ बलबन एंड अदर चालीसा मेंबर्स। सबसे ताकतवर है, इन्फ्लुएंशियल है, तो प्रभाव डालेगा ना, क्यों। अच्छा आते ही आते बहुत मिलनसार था ये, सबसे हंस के बात करता, अच्छी अच्छी बातें करता, कहता कि मैं तो बहुत लोअर बैकग्राउंड से हूँ, तुम भी आगे ग्रोथ कर सकते हो, बहुत हो सकते हो। जब सुल्तान बन गया तो एरोगेंस में आ गया। अब लोग इसका पीठ पीछे मजाक उड़ाते हैं कि इसको कहते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं, एक भिश्ती हायर रैंक्स तक प्रमोट हो गया। दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे ना, जैसे कोई पढ़ने में तेज ना हो और वो IAS बन जाए, तो उसका बहुत लंबे समय तक लोग पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे कि बताओ किस्मत हो तो इस गधे जैसी। ऑब्वियसली मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करता है ना इंसान अपनी फेलियर्स को, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, बलबन अब सब नए नए नियम लेके आएगा। बलबन इंट्रोड्यूस्ड आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, कि लो भाई आओ और मेरा विरोध करो तो बताता हूँ।
इल्तुतमिश के समय ही बहुत सारे विद्रोह शुरू हो गए थे, हिंदू जमींदार्स विद्रोह करते थे, और इसने क्या किया, हिंदू जमींदारों को या मुसलमानों को जो मिलेगा मार देगा। इस ये बातचीत में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है, क्योंकि कहता है कि बातचीत मूर्खों से करके कोई फायदा नहीं है, इनको हटाते जाओ, समझ रहे हो, जैसे हैदराबाद पुलिस ने किया। नहीं, ठीक है, ये वही उसी गैंग का सदस्य लग रहा है। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, मतलब कि जो समाज का घटिया तत्व है उसको एलिमिनेट करते रहो, क्योंकि उसको बनाए रखने से कोई फायदा नहीं है। तो आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, लौह और रक्त नीति लेके आता है, क्यों लेके आया होगा, टू सप्रेस रिबेलियंस, विद्रोहों के दमन के लिए, किसके लिए, विद्रोहों के दमन के लिए, ये लेके आया है विद्रोहों के दमन के लिए। नेक्स्ट ये लेके आएगा सिजदा और जमीन बोसी, और एक है पाइबोसा या पाइबोस, सुना ये क्या है, ये किसिंग फीट ऑफ सुल्तान, जो भी सुल्तान से मिलने जाएगा, जो भी मंत्री होगा, वो अपना सर झुका के और सुल्तान के कदमों या जूतों को चूमेगा। औकात बता रहा है क्या ये, कि जो जो इसकी शिकायत करने वाले लोग थे, रोज उसका घमंड चार बार तोड़ता था वो। सुल्तान के पैरों को चूमना, इसको क्या कहा गया, पाइबोसा या पाइबोस। सिजदा माने सर झुकाना होता है, क्या सुना है, नीलिंग डाउन एंड टचिंग हेड ऑन ग्राउंड, घुटनों के बल बैठ के सिर को जमीन से लगाना, ये भी है, मैंने डबल काम करवाएगा, पैरों को चूमना है फिर सिजदा करना है। जमीन से सिर टिकाना, ठीक है, ये कहेगा कि देखो तुम लोग मुझे हल्के में ना लो, मैं अल्लाह का प्रतिनिधि हूं इस पृथ्वी पे। देखो अभी दास था, अब अल्लाह का प्रतिनिधि हो गया, डरा रहा है क्या दूसरों को। डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोनार्की, क्या करेगा ये, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोनार्की लेके आएगा, डिवाइन प्रिंसिपल ऑफ मोनार्की, राजतंत्र का दैवीय सिद्धांत। ये क्या कहता है बताओ, कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, ये कहता है, ये कहता है कि देखो मैं मामूली व्यक्ति नहीं हूं, मैं खानदानी हूं, लिंक्ड विथ ईरानियन मैंने पर्शियन आफरासियाब डायनेस्टी, वहां का एक प्रसिद्ध राजा है आफरासियाब, कहता है कि मैं उसी वंश का हूं, गलती से मुझे मंगोलों ने दास बना लिया था। बेकार है क्या ये, हाँ ठीक बात है। आफरासियाब वंश से संबंध बताया, कहां का है ये आफरासियाब वंश, और ईरान के राजा भी ऐसा ही करते थे, ईरान के सुल्तान बादशाह भी ऐसा ही कहते थे कि हम भी अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, वी आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अल्लाह ऑन दिस अर्थ। और अब जब ये बलबन ने कहा कि अब देखो मैं ईरान की प्रथाओं को भी चलाऊंगा, अब मैं नौरोज़ फेस्टिवल स्टार्टेड, होली जैसा फेस्टिवल है, नौरोज त्यौहार प्रारंभ किया, कहाँ का है ये, ईरान का। अब जानबूझ के ये कर रहा है जिससे लोग उसे ईरानियन समझे, बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, जैसे कोई कोई नहीं होता है, जैसे मान लो किसी से कहोगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है, कहेगा मैं खानदानी हूँ, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तब मेरे दादा के परदादा जो थे वो सांसद थे,
वो खुद दादा भाई नरौजी से पहले चुनाव लड़े थे, हार गए थे, फिर दादा भाई नरौजी उनका फायदा उठा के जीत गए। आप कह रहे हो कि दादा भाई नरौजी तो ब्रिटेन में चुनाव लड़े हुए थे, कह रहे हैं कि मैं भी वही कह रहा था, मैं भारत की बात ही नहीं कह रहा था। वो क्या कर रहा है, बेमतलब की फेंक रहा है। कोई कोई मेरे पास आया जिसने कहा कि मेरे बहुत करीबी संबंध है राजनाथ सिंह के साथ, क्योंकि मेरे दादाजी जब पाँचवीं स्टैंडर्ड में थे तो राजनाथ सिंह भी पाँचवीं स्टैंडर्ड में थे, दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे उस जमाने में। मैंने पूछा बड़े पे संपर्क, कहा वही लास्ट संपर्क था। खैर, नौरोज फेस्टिवल स्टार्ट कर दिया, ठीक है। देखो, इसके समय में बंगाल में एक विद्रोह हुआ था, बंगाल रिवोल्ट कहते हैं, और ये किसने किया था भाई, तुगरिल खान। बंगाल विद्रोह किसने किया था, क्या करेगा बलबन, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी लगाएगा। पहले उसने एक मिलिट्री कमांडर को भेजा, अजीज खान, जो जीत नहीं पाया। फिर उसने दूसरी सेना भेजी, वो भी नहीं जीत पाया। तीसरी बार गुस्से के मारे अपने गया, तुगरिल खान भाग गया। एंड दैट इज हाउ इसका बेटा बुगरा खां सन ऑफ बलबन बिकेम बंगाल रूलर। बुगरा खां बंगाल का शासक बना। ठीक है, अब बुगरा खां दिल्ली आना ही नहीं चाहता है और बलबन की अब अंतिम यात्रा स्टार्ट हो रही है। वो सोच रहा है मैं अपने साम्राज्य का वारिस किसे बनाऊं, तो बुगरा खां मना कर देता है कि नहीं, बंगाल की हवा ज़्यादा अच्छी है, यहाँ मछली और जो चावल है यहाँ का टेस्टी है, वो आने से मना कर देता है। बुगरा खां का एक बेटा है कैकू बाद, सन ऑफ बुगरा, इसका नाम है कैकूबाद। कैकूबाद 1287 में न्यू सुल्तान बनता है। बलबन क्या है ना कि ग्रैंड चाइल्ड है, तो बलबन इसको कहीं निकलने ही नहीं देता है, हर एक बुरी चीज़ों से दूर रखता है। ये वाइन भी नहीं पीता है, घूमने फिरने नहीं जाता है, इसके पर्सनल असिस्टेंट नहीं है, दुनिया में इसे पता ही नहीं है कि अच्छाई और बुराई में अंतर क्या है। और सडनली ये क्या बन जाता है, 17 साल की उम्र में जब हम दिल्ली आके बिगड़ जाते हैं तो ये तो सुल्तान बन गया, इसका अंदाजा लगा सकते हो। तो बिगड़ेगा, दिन रात नशे में है, डांसर्स के ऊपर पैसे लुटा रहा है, यही सब इसका चल रहा था। एक दिन चल बसा बेचारा, क्या हो गया इसका काम, हाँ ये भी किल्ड हो गया, कॉन्स्पिरेसीज थी जो भी था। और हाँ, एक आएगा शमशुद्दीन कैमर्स, इसकी भी हत्या कर दी जाएगी, ये भी वैसा ही है, सब ऐसे ही हैं, एक कोने में वो पी के बैठा हुआ है, एक में ये ऐसा ही चल रहा था। इन एलिजिबल सक्सेसर्स हैं, दैट इज हाउ डायनेस्टी ऑफ बलबन डिस्ट्रॉयड। बलबन भी इलबरी तुर्क है, बलबन भी इलबरी तुर्क है जिसको दास बना लिया गया था। बलबन के जाते ही साम्राज्य थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है, लेकिन फिर दूसरे लोग आ जाएंगे और सत्ता में बने रहेंगे, जो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है।